हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी है में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का एक छोटा सा टॉपिक, करोशन। तो करोशन क्या होता है, आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते होंगे आसपास अपने घरों में कि लोहा का सामान जो है इधर उधर फेंका पड़ा हुआ है। तो वो जो लोहा का सामान है देखेंगे कि बहुत दिनों से फेंका पड़ा है, तो उसके ऊपर ब्राउन कलर का एक लेयर बनने लगता है, ठीक है, जो कि वो उस लोहे को कमज़ोर करता है, उस लोहे को ख़त्म करता है। वो धीरे धीरे उस लोहे को पाउडर में बना देगा, ठीक है, वो लोहा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये जो उसके ऊपर ब्राउन कलर का लेयर बनना स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस को हम करोशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो होता है। करोशन सिर्फ आयरन का ही नहीं होता, कॉपर, सिल्वर, बहुत सारे चीज़ों का होता है। तो करोशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई मेटल डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में अगर हो तो उसके ऊपर वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करके उसके ऊपर एक दूसरा प्रोडक्ट उसी से रिलेटेड एक ऑक्सीडाइज्ड होकर एक नया प्रोडक्ट बना लेता है और वो कोरोइड होने लगता है, ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो उस प्रोसेस को हम करोशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, द प्रोसेस इन विच द सरफेस ऑफ ए मेटल गेट कोरोडेड, मतलब कि डल और टर्निश्ड हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू द अटैक ऑफ सब्सटेंस अराउंड इट लाइक मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा। जब वो मेटल खुले में रखा हो और वो एयर के कॉन्टेक्ट में, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में या एसिड के कॉन्टेक्ट में अगर आता है, ठीक है, अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है या मॉइस्चर एयर किसी के कांटेक्ट में आता है तो वो उसके ऊपर करोशन हो लगता है, ठीक है, वो कोरोडेड हो जाता है, ठीक है, वो डल हो जाएगा, टर्निश्ड हो जाएगा, उसके कलर में चेंज आएगा, उसके ऊपर एक नया लेयर बनेगा दूसरे कलर का, ठीक है, या उस पर काले रंग का धब्बा आने लगेगा। जैसे कि अगर आयरन हमारा जब करोशन होता है, आयरन के ऊपर हमारा करोशन होता है तो देखते हैं कि उसके ऊपर ब्राउन कलर का एक लेयर बनने लगा, ठीक है, ब्राउन कलर का पाउडर आप लोग उसके ऊपर देखेंगे, उसे आप छुड़ाएंगे तो वो पाउडर की तरह छूटेगा, ठीक है। तो ब्राउन कलर का आप लोग उसके ऊपर एक लेयर बनते हुए देखेंगे, वो हमारा करोशन है, जिसे हम अगर वो आयरन में होता है तो उसे रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और ठीक वैसे ही अगर वो सिल्वर देखे होंगे, सिल्वर जब नया होता है तो वो चमकता है बहुत ही, लेकिन जब वो पुराना होगा तो उस पर काला रंग का धब्बा आएगा। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कैसे हमारा रस्टिंग हो रहा है, आयरन का लाल रंग का उस पर ये सब ब्राउन कलर का आ गया है, और सिल्वर जब पुराना होता है उस पर काला काला धब्बा आ जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आप लोग घर में देखे होंगे कि अगर सिल्वर का सामान कभी आया तो नया में बहुत चमकता है, लेकिन जब वो पुराना होने लगता है तो उसके ऊपर काला रंग का धब्बा आने लगता है। वो धब्बा क्या है, वो जो सिल्वर है वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन कर अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है, तो वही हमारा करोशन होता है। उसके साथ ही साथ आप लोग अगर कॉपर देखे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर आ गया है। कॉपर भी हमारा डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो भी ऑक्सीडाइज हो अपने ऊपर एक सरफेस बना लेता है ग्रीन कलर का, ठीक है। ये जो सारे प्रोसेस होते हैं करोशन में, वो सारे एटमॉस्फेयर के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो हम इन ये जो तीन है, आयरन, सिल्वर और कॉपर, इन तीनों का हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि कैसे ये एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं और किन किन चीज़ों से हमारा रिएक्शन करते हैं। एटमॉस्फेयर में हमारा बहुत सारे गैस है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वेपर के फॉर्म में, जैसे जिसे हम मॉइस्चर कह रहे हैं, ये सब प्रेजेंट होता है। और इनमें से किस किस के साथ कौन कौन सा हमारा मेटल रिएक्ट कर कैसे हमारा वो कोरोइड होता है, ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपर जब हमारा करोशन होता है, कॉपर का करोशन, तो वो अपने ऊपर ग्रीन कलर का लेयर बनाता है। फिर अगर हम सिल्वर का हम करोशन देखेंगे तो उसके ऊपर ब्लैक कलर आने लगते हैं, और आयरन जो है उसके ऊपर ब्राउन कलर का हमारा लेयर बनने लगता है, ठीक है, उसे हम रस्टिंग कहते हैं। तो ये तीन चीज़ का हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा आयरन कैसे एयर में प्रेजेंट, हमारा जो वेपर है, मॉइस्चर है, मतलब वाटर वेपर जो है मॉइस्चर है, और हमारा एटमॉस्फेयर में एयर में जो जितने सारे गैसेस हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, किन किन के साथ रिएक्ट करता है, ये भी हम देखेंगे। तो हमारा जो आयरन है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और वाटर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, और हमारा Fe2O3.H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे हम x दे रहे हैं, मतलब कि ये x जो है वो मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, मतलब जितना मॉइस्चर होगा उसके हिसाब से यहाँ पे x का वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है यहाँ पे Fe ऑक्सीडाइज करके जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है Fe2O3.XH2O, ये हमारा रस्ट कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये एक या दो दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे जो हमारा आयरन है वो रेड कलर का होने लगता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर बनने लगता है, ठीक है। तो यही हमारा जो है वो रस्टिंग होता है आयरन का, और इस प्रोडक्ट को हम रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो रस्ट होता है हमारा यही प्रोडक्ट होता है, यही हमारा ब्राउन कलर का होता है, ठीक है।
और अब हम देखेंगे कि हमारा कॉपर कैसे एयर में प्रेजेंट, हमारा किन किन के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, किन किन चीज़ों के साथ रिएक्ट कर अपने ऊपर ग्रीन कलर का लेयर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कॉपर जो है मॉइस्चर के साथ, और ये ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कॉपर हमारा जो है वो मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और हमारा कैल्शियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो हम लोग देख लिए कि यहाँ कॉपर जो है वो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है एटमॉस्फेयर में, खुला एटमॉस्फेयर में जब ये कांटेक्ट में आता है एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि ग्रीन कलर का एक लेयर होता है, आप लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा सिल्वर है वो ना ही हमारा ऑक्सीजन से ना ही कार्बन डाइऑक्साइड से, ये H2S गैस के साथ रिएक्शन करके, H2S गैस और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके हमारा ये जो है एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बनता है जो Ag2S होता है। ठीक है, जिसे हम सिल्वर सल्फाइड कहते हैं, सिल्वर सल्फाइड और H2O प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो होता है ब्लैक कलर का होता है, आप लोग यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे सिल्वर के कॉइन के ऊपर ब्लैक कलर आ गया है। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर में जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो ये हमारा एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं H2S गैस एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम होता है, इसलिए हमारा जो ये सिल्वर है ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है और सिल्वर जल्दी काला नहीं होता, इसमें कोई काला होने में बहुत समय लगता है। तो H2S गैस और H2O के साथ रिएक्ट कर हमारा Ag2S प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। हमें हमारे इस सिलेबस में कॉपर या सिल्वर के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ हमें मेन पढ़ना है आयरन का रस्टिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले जान जाते हैं कि हमारा रस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रस्टिंग का डेफिनेशन लिखा है, यहाँ पे रस्टिंग का डेफिनेशन है हमारा, देख लीजिए, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोरोसन। ठीक है, रस्टिंग जो है एक कोरोसन का टाइप है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोरोसन, हमारा रस्टिंग जो आता है वो कोरोसन के अंडर आता है, ये एक टाइप होता है हमारा करोसन का, इन विच आयरन आर्टिकल्स गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर, जिसमें हमारा जो आयरन का आर्टिकल है मतलब आयरन का जो सामान है उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का लेयर आने लगता है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का हमारा उसके ऊपर लेयर आने लगता है जब वो हमारा एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आता है। तो ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में जब हमारा आयरन का सामान आता है तो वो उस मॉइस्चर के साथ केमिकली रिएक्ट कर अपने ऊपर एक ब्राउन कलर का पाउडर मतलब ब्राउन कलर का उसके ऊपर लेयर बनाने लगता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे होता है, इसका केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया कि इसके कैसे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ केमिकली रिएक्ट कर हमारा Fe2O3 बनाता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है Fe हमारा ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर हमारा Fe2O3 बनाता है। ठीक है, डॉट H2O XS2O, यहाँ पे X जो है उसका वैल्यू हमारा मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, तो Fe2O3 डॉट XS2O हमारा रस्ट कहलाता है, और ये डिपेंड करता है यहाँ पे कि ये हमारा X मॉइस्चर कितना है उस पर हमारा X डिपेंड करता है, और इसको हम रस्ट कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसे हम रस्टिंग कहते हैं। जब हमारा आयरन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आके उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का पाउडर बनने लगता है तो उसे हम रस्टिंग कहने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है द कोरोसन ऑफ आयरन इज प्रिसाइजली नोन एज रस्टिंग। हम लोग एक छोटे से में जान सकते हैं कि आयरन के कोरोसन को ही हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमारा अब देखते हैं कि कैसे हमारा जो आयरन है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होता है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन्स हमारा लॉस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम उस केमिकल रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जान जाना होगा कि जो हमारा कोरोसन है ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, ये जो है इसमें जितने भी मेटल्स कोरोसन होते हैं, जितने भी मेटल्स का कोरोसन होता है, वो सारे मेटल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो गैसेस हैं या मॉइस्चर है उसके साथ केमिकली रिएक्ट करता है। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, और हमारा वो जो मेटल है वो कोरोड होने लगता है। ठीक है, तो जब हमारा उस मेटल का कोरोसन होता है तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस के साथ या मॉइस्चर के साथ केमिकली रिएक्ट करता है। ठीक है,
तो ये जो केमिकल रिएक्शन होगा उस मेटल का, वो कौन सा रिएक्शन है? तो जो हमारा उस मेटल का रिएक्शन होता है, वो हमारा रिएक्शन होता है जो, वो होता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन आप लोग जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन हमारा वो रिएक्शन होता है जिसमें हमारा उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा है रेडॉक्स रिएक्शन हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है जिस केमिकल रिएक्शन में, वही हमारा क्या रहता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा अगर कोई चीज का करोशन होता है, ठीक है, जैसे आयरन का रस्टिंग होता है, तो वो भी एक केमिकल प्रोसेस होगा जब हमारा आयरन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और हमारा मॉइस्चर के साथ केमिकली रिएक्ट करेगा। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ, और ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ ये भी हमारा एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन में हमारा ये जो रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। तो हम लोग देखते हैं किस किस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस चीज़ का रिडक्शन। हम लोग जानते हैं कि आयरन ऑक्सीडाइज्ड होगा तभी वो रस्ट होगा, तो हमारा यहाँ पे आयरन ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, आयरन का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा Fe जो आयरन है, Fe, वो हमारा एक Fe दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है। एक Fe हमारा जो एक Fe है, ठीक है, एक Fe है वो हमारा दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो जब दो Fe होगा तो ये फोर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, टू इंटू टू हमारा फोर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू Fe जो है वो हमारा फोर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है, तब वो हमारा प्रोड्यूस कर रहा है 2Fe2+, ठीक है, Fe2+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है। Fe2+ यहाँ पे हमारा दो आयरन है, इसलिए यहाँ 2Fe2+ हमारा आयन प्रोड्यूस हो रहा है। Fe2+ का यहाँ दो आयन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर में किस चीज़ का रिडक्शन होता है। तो O2 और H2O जब आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उसका जो इलेक्ट्रॉन, जो फोर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है आयरन, वो ले लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो मैंने आपको बताया कि वो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन उसका गेन करते हैं और तब प्रोड्यूस करते हैं 4OH-, तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहा है, तो ये हमारा एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है। जब इसका हम टोटल रिएक्शन बनाएंगे तो ये फोर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2Fe+O2+H2O, यह तीनों जो हमारा है वो रिएक्टेंट का काम करेंगे, ठीक है। ये हमारा तीन रिएक्टेंट होंगे, उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट होगा 2Fe2+ और +4OH- आयन, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होंगे और मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जो है हमारा FeOH2, ठीक है। फिर FeOH2 ये हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, और फिर हमारा FeOH2 फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो हमारा रस्ट होता है वो फॉर्म होगा, क्योंकि हमारा FeO3 जो है वो रस्ट नहीं है, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमारा रस्ट होना जरूरी है। तो FeOH2 जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो रहा है उस रिएक्शन के बाद, वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है और तब हमारा प्रोड्यूस करता है Fe2O3.XH2O। यहाँ पे X जो है हमारा H2O उस वाटर का क्रिस्टल है, और यहाँ पे हमारा जो X का वैल्यू है वो डिपेंड करेगा हमारा मॉइस्चर के ऊपर, ठीक है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे X का वैल्यू आएगा। तो ये है हमारा रस्टिंग का रिएक्शन। तो जान गए कि हम लोग की रस्टिंग क्या होता है, आयरन का रस्टिंग क्या होता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन हम लोग जान गए कि जब हमारा आयरन एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आता है, एटमॉस्फेयर में हमारा जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा जब आयरन, तभी हमारा वो रिएक्शन करेगा एटमॉस्फेयर के साथ और हमारा वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा आयरन रस्ट होगा तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, ठीक है। तो हम अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो क्या आप चाहेंगे कि वो खत्म हो जाए, उसके ऊपर जंग लग जाए और वो बर्बाद हो जाए? नहीं। तो हमें आयरन को बचाना होता है एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से। तो ऐसे हम लोग आयरन नहीं बचा सकते अगर उसे खुला रखें तो आयरन के ऊपर हमें एक दूसरा लेयर बनाना पड़ता है जिससे हम उससे एटमॉस्फेयर का कॉन्टेक्ट तोड़ सके। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ठीक है। रस्टिंग को हम रस्टिंग आयरन का रस्टिंग होने से हम कैसे बचा सकते हैं उसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम उस आयरन को पेंट कर दे, ठीक है, अगर उस आयरन को हम पेंट कर देंगे तो उसके ऊपर एक पेंट का लेयर बन जाएगा, ठीक है। तब हमारा जो है वो आयरन जो है, एटमॉस्फेयर जो है, उन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, वो टूट जाएगा। उन दोनों के बीच में एक हमारा पेंट जो है वो दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। तो हमारा आयरन और एटमॉस्फेयर के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा और हमारा वो रस्ट नहीं होगा। और अगर हम पेंट की जगह ग्रीसिंग भी करें, उस पेंट के ऊपर ऑयल या ग्रीसिंग करें, तभी भी वो हमारा जो है
आयरन वो रस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग पेंट यूज़ करके ग्रीस यूज़ करके इनामेल यूज़ करके उस आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं आयरन का एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट तोड़ देते हैं, इनके बीच में ये एक दीवार बन जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर और आयरन के बीच में। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कवरिंग इट्स सरफेस विद पेंट ग्रीस इनामेल दैट डज नॉट अलाउ एयर एंड मॉइस्चर टू कम इन कॉन्टेक्ट विद इट एंड नो रस्टिंग ओक्योर, ठीक है। ये जो है मॉइस्चर के साथ कॉन्टेक्ट, ठीक है, हमारा जो ये पेंट ग्रीस इनामेल है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारा एटमॉस्फेयर के साथ आयरन का डायरेक्ट कांटेक्ट तोड़ देते हैं, ठीक है। ये उन दोनों के बीच कांटेक्ट नहीं होने देते और तब हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है एटमॉस्फेयर और आयरन के बीच वो नहीं होता है, तो हमारा यहाँ पे आयरन रस्ट नहीं होता है, हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। और सेकेंड प्रोसेस हम बात करें तो अगर हम आयरन के ऊपर दूसरे किसी मेटल का अगर जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन न करता हो या रिएक्ट करके उस वो कोरोइड ना होता हो, वो अगर उसके ऊपर उसका कोटिंग कर देते हैं तो आयरन का कॉन्टैक्ट जो डायरेक्ट है एटमॉस्फेयर के साथ वो कट जाएगा, क्योंकि उसके बीच में दूसरा मेटल का कोटिंग आ गया। तो वैसे ही हम यहाँ पे जिंक, अगर आयरन के ऊपर आप जिंक का कोटिंग कर देते हैं तो हमारा आयरन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एटमॉस्फेयर से टूट जाएगा, उनके बीच में जिंक जो मेटल है वो आ रहा है। तो जब हम आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग कर देंगे तो जिंक जो है वो खुद ही ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन कर ऑक्सीडाइज्ड होके एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में आयरन का काम करेगा, ठीक है। आयरन का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा और वो एटमॉस्फेयर के साथ आयरन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होने देता और जिंक जो है वो खुद रस्ट नहीं होता, ठीक है, उसका कोरोशन नहीं होता, जिससे हमारा जो है जो सामान वो बच जाता है, वो ख़राब नहीं होता, वो ख़त्म नहीं होता। तो जिंक का कोटिंग करके भी हम किसी आयरन को हम बचा सकते हैं रस्ट होने से, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे दो प्रोसेसेस पढ़े, पहला कि हम अगर आयरन को पेंट कर दें, ग्रीसिंग कर दें या उसके ऊपर जिंक का कोटिंग कर दें, मतलब कि डायरेक्ट है कि अगर आयरन के ऊपर किसी और चीज़ का सरफेस बना देंगे जो कि एटमॉस्फेयर के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता तो हमारा वो आयरन जो है रस्ट होने से बच जाएगा, क्योंकि अगर उसके ऊपर हम कोई भी सरफेस लगा देंगे तो वो एटमॉस्फेयर और आयरन के बीच का कॉन्टैक्ट तोड़ देता है। तो वो सारी सामान है हमारे पेंट ग्रीस या अगर उसके ऊपर जिंक का कोटिंग कर देंगे तो ये सारी चीज़ें हमारा आयरन को रस्ट होने से बचा देते हैं। उसके बाद अगर हम जिंक के जगह अगर दूसरे चीज़ों का भी यूज कर सकते हैं कोटिंग में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द सर्फेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विथ क्रोमियम टीन निकेल और एल्युमिनियम, हम इन चीज़ों का भी क्रोमियम निकेल टीन या एल्युमिनियम इन सब चीज़ों का भी आयरन के ऊपर कोटिंग कर दे तो वो भी आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो है एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करके ये इसका कोरोशन नहीं होता और ये लॉन्ग लास्टिंग होगी, इससे हमारा जो आयरन का सामान है वो जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ये हमारा जो है एटमॉस्फेयर का कॉन्टैक्ट तोड़ देते हैं और ये हमारा जो आयरन है रस्ट नहीं होने देते, ठीक है। तो यहाँ पे हम जिंक के साथ साथ और क्रोमियम टीन निकल एल्युमिनियम ये सब का भी यूज़ करके इन सब का भी कोटिंग करके आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर साइकिल का हैंडल देखे होंगे तो हमारा जितना भी साइकिल होता है पेंट किया होता है, रिंग लोहा होता है, रिंग और जो हैंडल होता है वो चमकता रहता है, तो आप लोग देखेंगे कि वो चमकता क्यों है, वो चमकता है और वो रस्ट भी नहीं होता, वो जंग भी लग के ख़राब नहीं होता जल्दी, क्यों, क्योंकि जो हमारा हैंडल है वो आयरन है लेकिन उसके ऊपर हमारा जिंक का कोटिंग किया हुआ रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा साइकिल का हैंडल होता है वो रस्ट नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ देखेंगे इसलिए मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। आजकल जो हमारा बिल्डिंग्स भी बन रहे हैं जो वो प्योर आयरन के नहीं बना रहे हैं, वो हमारा एलोए बोलते हैं, ठीक है, जो मिक्सचर होता है दूसरे मेटल या नॉन मेटल का, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा आयरन के ऊपर जिंक या अन्य ये क्रोमियम निकेल टीन एल्युमिनियम इन सब का कोटिंग करके हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं, अभी आप लोगों ने ये देख लिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने ऑब्जेक्ट विथ क्रोमियम टीन निकेल एल्युमिनियम दीज मेटल्स रेजिस्ट कोरोशन, ठीक है, ये सारे मेटल्स जो है वो कोरोशन को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, एंड दे प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, और तब ये हमारा आयरन को रस्ट होने से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है रस्टिंग कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एलॉय, यही मैंने आपको बताया कि हमारा जो प्योर आयरन होगा वो रस्ट हो जाता है, इसलिए हम प्योर आयरन जो है वो हमारा सॉफ्ट भी होता है, ठीक है। तो प्योर आयरन में जब हम 0.05%, ठीक है, प्योर आयरन में हमारा
0.05% हमारा अगर कार्बन मिला देते हैं, ठीक है, 0.05% हम कार्बन मिला देते हैं तो ये हमारा जो है ये एक एलोय बन जाता है और तब हमारा ये जो होता है हार्ड होता है, ठीक है, जैसे कि आप कील देखे होंगे, ठीक है, कील जो है हम बहुत हार्ड होता है, ठीक है, उसे हम कितना भी तोड़े वो टूटता नहीं है, जल्दी बेंड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्योर आयरन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो हम उसमें कार्बन मिला के उसे एलोय बनाते हैं और वो जो होता है वो हमारा हार्ड बन जाता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ बात करना है आयरन का रस्टिंग का, ठीक है। तो आयरन का रस्ट होने से हम एलोय बना के उसे बचा सकते हैं, हम आयरन में दूसरा मेटल या नॉन मेटल, ठीक है। सबसे पहले बात करना होगा कि हमारा यहाँ पे हम ये तो समझ गए कि हम आयरन का एलोय बना के, ठीक है, मतलब उसमें दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिला के उसका एक दूसरा बना के, मतलब उसमें दूसरा चीज़ मिला देंगे तो वो दूसरा ही कुछ बन जाएगा, ठीक है, एक दूसरा वो मेटल बन जाएगा जिसे हम एलोय कहते हैं, तो वो जो है रस्ट होने से बच जाता है, ठीक है। तो एलोय हमारा क्या होता है सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी होगा, ठीक है। तो एलोय जो है वो हमारा मेटल होता है, जो हमारा आयरन मेटल में हमारा मेटल या नॉन मेटल, ठीक है, मेटल या नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल या नॉन मेटल दोनों को हम मिलाते हैं और तब हमारा एलोय बनता है, ठीक है। तो एलोय जो है हम दो मेटल्स को कैसे मिलाएंगे, हम लोहा 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 और गोल्ड सटेंगे तो क्या वो दोनों सट जाएंगे, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, नहीं, उन दोनों का लिक्विड फॉर्म जो हमारा लिक्विड फॉर्म, ठीक है, उन दोनों का लिक्विड फॉर्म, ठीक है, उन दोनों को हम गला के मिक्स करेंगे, ठीक है, और तब वो जो हमारा बनता है वो एलोय बन जाता है, तब वो हमारा जो दोनों मेटल्स है नॉन मेटल या मेटल हो वो मिक्स हो जाता है मेटल के साथ और तब हमारा वो एलोय बनाता है। तो एलोय हमारा लिक्विड फॉर्म में करके ही बनाना पड़ता है। एलोय क्या होता है, एलोय जो होता है एक प्योर मेटल का मेटल या नॉन मेटल्स के साथ मिक्सचर करके जो हमारा होमोजेनस बनता है, होमोजेनस मेटल बनता है, वो हमारा एलोय कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ जो है एलोयस देखेंगे एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, इसे बोला ही जाता है स्टेनलेस स्टील, इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, स्टेनलेस, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आप लोग बहुत सारे यूटेंसिल्स देखते होंगे अपने घर में, हमारे घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं जो कि जंग नहीं लगते कभी भी, ठीक है, ये सारे स्टील है, ठीक है, ये सारे स्टेनलेस स्टील है। तो अब हम देखेंगे कि जो स्टेनलेस स्टील है आयरन से मिलकर बना है, लेकिन और क्या क्या चीज़ें मिलकर ये बना है ताकि ये रस्ट नहीं होता, तो हम लोग आयरन में दूसरा चीज मिक्स करके उसे रस्ट होने से बचा सकते हैं। हमारा की पॉइंट ये है कि आयरन में हम दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिक्स करके उसका एलोय बना के हम उसे रस्ट होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्टेनलेस स्टील होता है हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, हम उसमें आयरन हमारा ज्यादा मात्रा में होता है लेकिन उसमें हम थोड़ा कम मात्रा में निकेल और क्रोमियम मिलाते हैं, ठीक है, और तब हमारा एक एलोय बनता है जिसे हम स्टील कहते हैं, ठीक है। ये बहुत हार्ड होता है, जैसे हमारा जितने भी यूटेंसिल्स है घर में, हमारे जो बर्तन है, ठीक है, तो ये हार्ड होता है और ये नो रस्टिंग होता है, इसका रस्ट नहीं होता, ठीक है, ये रस्ट नहीं होता, ठीक है, इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। आप लोग के घर के बर्तनों में क्या जंग लगता है, नहीं, ये सारे स्टेनलेस स्टील होते हैं। इसके बाद और कुछ हम अदर एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो हमारा एलोयस होगा, जैसे कि ब्रोंज, ब्रोंज आप लोग देखे होंगे, हमें मेडल मिलता है ब्रोंज मेडल, ठीक है, ओलंपिक्स में आप लोग देखे होंगे, ये पिक्चर देख लीजिए, ब्रोंज मेडल मिलता है, ये भी हमारा एक एलोय होता है जो कि कॉपर और टिन का मिलकर बना होता है, ठीक है, इसका भी कोरोशन नहीं होता है, ठीक है, और ये भी बहुत हार्ड होता है। तो ये हमारा दो अभी हम लोग एलोय देख लिए। तीसरा एलोय हम देखते हैं ब्रास, जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। तो ऐसे हम प्योर मेटल्स में दूसरा मेटल और या नॉन मेटल मिला के हम एक एलोय बनाते हैं, वो जो एलोय बनता है वो रस्टिंग फ्री होता है, उस पर रस्ट नहीं होता, उसका कोरोशन नहीं होता है। जैसे कि हम आयरन के जगह आजकल स्टेनलेस स्टील का यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत सारे बिल्डिंग्स भी आजकल बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो वो सारे एलोयज रह रहे हैं, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, जल्दी उसका कोरोशन नहीं हो, ठीक है, वो बहुत दिनों तक एक्स्ट्रा टिकते हैं, ठीक है। तो हम आजकल आयरन का यूज़ कम करके एलोयज का यूज़ ज़्यादा कर दिए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा करोशन और रस्टिंग ऑफ आयरन। तो उम्मीद करता हूँ आपको करोशन और रस्टिंग ऑफ आयरन समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हुआ तो मेरे वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियोज डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको जिस भी टॉपिक का वीडियो डालो। तो यहाँ पे मैं एडुकेशनल वीडियोज ही डालता हूँ, वो भी सिर्फ साइंस और
फिजिक्स मैथ से रिलेटेड या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ठीक है, यही सबसे रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो अगर आप इन वीडियोस को ज़रूरत है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे।